निकाली है। अच्छे से सुनिए और समझ लीजिए, दो प्रकार की पोस्ट निकाली है, एक निकाली है ग्रेड वन की पोस्ट और एक निकाली है साथी ग्रेड तीन की पोस्ट। ग्रेड तीन की पोस्ट इसमें सैलरी का लेवल दो है और ग्रेड वन में सैलरी का लेवल पांच है। ग्रेड वन में आयु जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 36 वर्ष और ग्रेड तीन में जनरल कैंडिडेट के लिए आयु 18 से 33 वर्ष, जिसमें तीन वर्ष की छूट शामिल है। तीन वर्ष की छूट इसमें पहले से शामिल है। ग्रेड तीन के कुल 8052 पद है और ग्रेड वन के 1092 पद है। देखिए जो ग्रेड वन है इसमें बीटेक, बीएससी या तीन साल का डिप्लोमा मांगा है, ठीक है, और इसमें क्या मांगी है, इसमें कई जगह 10th प्लस आईटीआई ज्यादातर में, या फिर साथ ही 10th प्लस अप्रेंटिस, 10th प्लस अप्रेंटिस। लेकिन इसमें एक पोस्ट ऐसी है जिस पर 12th भी है, जिसमें अगर आपने 12th पास है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 9 मार्च से 9 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाने। मैं आपको बता देता हूं कि वो पोस्ट कौन सी है। वो पोस्ट है 15वें नंबर पर, जब आप जाओगे पोस्ट में, इसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड तीन सिग्नल। सिग्नल के जो टेक्नीशियन होते हैं उसमें यदि आपने 12th क्लास फिजिक्स और मैथ के साथ भी की हुई है, किसके साथ, फिजिक्स प्लस मैथ के साथ यदि आपकी 12th क्लास है, आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 33 वर्ष एज, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट, एससी एसटी है तो 5 साल की छूट, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका पेपर पैटर्न बता दूं पूरी तरह से चेंज हो गया है, कोई ट्रेड वेरेट टेस्ट नहीं देना, केवल 100 नंबर का पेपर देना है। कितने नंबर का पेपर देना है, 100 नंबर का पेपर देना है, जिसमें मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन, विज्ञान आएगा 40 नंबर का और करंट अफेयर और जीए जो होती है जनरल अवेयरनेस ये आएगी 10 नंबर की। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक सीबीटी, इसी से साथ ही फाइनल मेरिट लगेगी, अच्छे से याद रखिएगा, इसी से फाइनल मेरिट लगेगी। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, अवसर है कि आप लोग इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, इसके फॉर्म भर सकते हैं। 9 मार्च से 9 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जनरल इत्यादि जो कैटेगरी होती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपए का फॉर्म है जिसमें से 400 वापस मिल जाएंगे, एससी एसटी और महिला ट्रांसजेंडर इत्यादि के लिए मात्र 250 रुपए का फॉर्म है, 250 के 250 वापस। तो चार सब्जेक्ट है, इसमें से ज्यादातर आपके तैयार है, विज्ञान में खुद तैयार कराऊंगा। 18 मार्च से इसकी सेपरेट क्लास शुरू होंगी, सेपरेट एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, तो यदि आप जुड़ना चाहे तो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर विजिट कीजिए। बाकी जो परचम फाउंडेशन है रेलवे का, उसमें इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। चार ही सब्जेक्ट है, बढ़िया नंबरों से आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये जो टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल है इसमें साथ ही आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें 10th आईटीआई वाले भी भर सकते हैं और आप लोगों को भी मौका दिया गया है तो आप लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बढ़िया से एक ही आरआरबी से फॉर्म भरना, एक लेवल के लिए एक फॉर्म, दो लेवल की वैकेंसी का फॉर्म भरना है दोनों पद, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। लेकिन याद रखिएगा, एक लेवल का फॉर्म केवल एक आरआरबी से भरें, आप अलग अलग लेवल को अलग अलग आरआरबी से भर सकते हैं। ऐसा मत करना कि लेवल दो को आप एक से ज्यादा आरआरबी से भर दें, समझे मेरी बात। बाकी तैयारी के लिए आप सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन के पेड कोर्स में जाके एक बार विजिट कर लेना। इसका यूट्यूब की तैयारी का भी जल्दी ही मैं टाइम टेबल लॉन्च करूंगा। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। हम लोग बच्चा रेलवे में अच्छा पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, सबसे पुराने इंस्टीट्यूट में से आते हैं रेलवे में, 2018 से, और मैं 2018 से रेलवे को साइंस इत्यादि पढ़ा रहा हूं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, तब सभी लोग भरोसा कर